ओम नमस्कार बंधुओं, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधुओं, आज का विषय है कि कैसे आप अपने खोए हुए प्यार को वापस पाएं। जी हाँ, ये लव की जो प्रॉब्लम है उसका समाधान हम देंगे इस उपाय में, क्योंकि काफी जातकों द्वारा ये हमसे पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। यदि आप अपने पति के लिए भी करना चाहें, पति का प्यार वापस पाना चाहें तो कर सकते हैं। यदि आपका प्रेमी या प्रेमिका जो भी है उनका आपसे बिल्कुल भी बातचीत बंद हो गई है, बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि पहले की तरह बात शुरू कर दें, पहले की तरह प्यार हो जाए, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपके बीच में किसी वजह से मनमुटाव चल रहा है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रेम संबंध है वह पटरी पर आ जाए। और यदि आप चाहते हैं कि अपने पति या प्रेमी या फिर पत्नी या फिर प्रेमिका के लिए ये उपाय करें, ताकि आप आगे कभी भी कोई समस्या ना आए आए आपके प्रेम संबंध में, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो लव प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इस उपाय में आपको दिया जाएगा। इसको आप वशीकरण भी कह सकते हैं एक तरीके का। तो आप ये वीडियो अंत तक देखें और बारीकी से समझें कि इस उपाय में आखिर आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक कोरा कागज लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर आपको सिंदूर लेना है, आप देख पा रहे होंगे ये सिंदूर। एक कटोरी में आप डाल देंगे हल्के से पानी में सिंदूर। इसमें हमने पानी पहले से मिलाया हुआ है। अब आपको जैसा जैसा हम कहेंगे आपको वैसे वैसे ही करना है। सबसे पहले आप बनाएंगे एक गोला। अपनी तर्जनी उंगली से, सीधे हाथ की, यदि आप उल्टे हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो उल्टे हाथ की तर्जनी उंगली से आप बनाएंगे। और एक गोला आपको बनाना है यहां पर थोड़ी दूरी पे। क्यों दूरी पे बनाया जा रहा है ये सब बताया जाएगा। इस उपाय को करने से आपका जो भी खोया हुआ प्यार है, जिस वजह से भी खोया हुआ हो या फिर मनमुटाव हो, वह आपको वापस मिलेगा और पहले जैसा संबंध हो जाएगा, जैसा कि आपका पहले प्यार संबंध हुआ करता था। जब आप ये गोला बना लेंगे, इसके पश्चात आप अंदर पहले गोले में आप अपना नाम लिखेंगे। याद रखिएगा, आपको अपना नाम लिखना है, अपना नाम, जो भी आपका नाम है इस गोले के अंदर लिखेंगे। और दूसरे गोले में आप उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसके साथ आप अपना प्यार वापस चाहते हैं। जब आप नाम लिख लेंगे, उसके बाद आपको एक लकीर खींचनी है दोनों गोलों के बीच में। लकीर खींचने के बाद आप एक लकीर और यूं खींच देंगे, छोटी सी, ये जमा का निशान हो जाएगा एक तरीके का। फिर आप इस पे, इस निशान के ऊपर, जब ये सूख जाएगा, इस निशान के ऊपर कोई मीठी चीज रखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, मीठी चीज का आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। यदि आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, कोई फल रख सकते हैं, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम अखरोट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मीठी चीज हो ये भी ध्यान रखना है, कोई खट्टी चीज ना हो, ना ही कोई मिर्च मसाले वाली चीज हो, सिर्फ मीठी चीज हो या फिर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको, जब आप ऐसा कर लेंगे, इसको बनाने के बाद आपको इसी के नीचे एक चकोर बनाना है, सिंदूर से ही बनाना है। इस चकोर को फिर आप बांटेंगे, तीन हिस्सों में बांटा,
ऐसे ही तीन तीन हिस्सों में आप इसको बांटेंगे, इसको तीन तीन हिस्सों में बांटने के बाद आप काली कलम लेंगे और फिर हम जैसे जैसा बताएंगे आपको वैसे वैसे करना है। चार लेटी हुई डंडियां और फिर यहाँ पे दो सीधी डंडियां और फिर एक दो तीन टेढ़ी यानी कि लेटी हुई डंडियां, फिर आपको यहाँ पे एक दो तीन चार एक दो ऐसे बनाना है और फिर आप यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, फिर इस वाले पे आप दो पाँच, फिर दो तीन चार, यहाँ पे आप एक दो तीन चार, जैसा कह रहे हैं हमको वैसे ही बनाना है, बहुत ही आसान है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिर आपको ये करने के बाद आप यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः ये आपको बना लेना है। जब आप इसको बना लेंगे तब इसके बाद आपको गौर जो करना है वह ये है, आपको चाहिए होगी एक बांसुरी, आप देख पा रहे हैं बांसुरी। यदि आपके पास बांसुरी नहीं हो पाएगी तो आप मोरपंख का इस्तेमाल करेंगे, और यदि मोरपंख भी नहीं हो पा रहा है तो आप कोई खुशबूदार फूल का इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर आप रख देंगे, इसके साइड में आप कहीं पे भी इसको रख दीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिए इस यंत्र जो आपने चकोर बनाया इसके ऊपर ना आए, आप बाकी कहीं पे भी रख सकते हैं इसको, आप ऐसे रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। जब आप इसको रख देंगे फिर आपको इस यंत्र के आगे श्री कृष्ण जी को ध्यान में रखते हुए मन में रखते हुए मन्नत मांगनी है कि खोया हुआ प्यार आपका वापस आ जाए, जो आपका प्यार लॉस्ट हो चुका है खो चुका है वह आपको पास प्यार वापस मिल जाए, और जो भी गलती हुई थी जिस वजह से भी वह प्यार खोया था वह गलती वापस कभी जिंदगी में ना हो, और प्यार जैसे बना हुआ था वैसे ही बना रहे जिंदगी में। और जितनी भी आप प्रार्थना कर सकते हैं वह सारी प्रार्थना करेंगे अपने प्यार से संबंधित, और जब आप पूरी प्रार्थना कर चुके होंगे तब आपको आखिर में ये बोलना है अपना नाम, जैसे आपने पहले लिखा अपना नाम बोलेंगे और फिर बोलेंगे उस व्यक्ति का नाम। बोलने के बाद आप बोलेंगे कि हमको हमेशा हमेशा के लिए मिला दीजिए और आगे की जिंदगी हमेशा सुकून भरी हो, ये आपको बोलना है अपने आगे रख के। फिर क्या करना है आपको, ये यंत्र और ये जो गुड़ है इसको आप ऐसे ही ये सारी चीजें एक ही कागज, ये जो कागज है इसमें लपेट के आप किसी मंदिर के आसपास रखकर आ जाएंगे। तो यदि आप मंदिर के आसपास नहीं रख सकते हैं तो आप ऐसा करेंगे, तो ये जो बांसुरी है ये एक मंदिर में दान कराएंगे, मंदिर में रखाएंगे अंदर, और गुड़ और जो कागज है इसको आप बंद करके किसी सुनसान जगह में रखकर आ जाइएगा। सुनसान जगह के नीचे नहीं रख सकते हैं तो किसी पेड़ के नीचे रखाएंगे, पेड़ याद रखिएगा पेड़ वह पीपल का पेड़ ना हो, बस बात का आपको ध्यान रखना है, किसी भी पेड़ के नीचे आप इसको रख सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आपने वीडियो समझा, और ये उपाय सिर्फ एक बार करना है, और ये उपाय आप करेंगे सोमवार के दिन सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में ये उपाय आपको करना है, ये जो यंत्र बनाना है इसके बीच में बाद जो दुआ करनी है सब कुछ प्रार्थना करनी है सब कुछ इसी 5 से 8 के बीच में करना है सोमवार को, और फिर ये जो बाहर रख कर आना है ये आप किसी भी दिन रख कर आ सकते हैं अगले 7 दिनों के बीच में। तो अगले 7 दिनों के बीच में आप इसको कहीं कभी अकेले रख कर आ सकते हैं, जब आपको मौका मिले आप तब इसको रख के आ सकते हैं। बांसुरी का इस्तेमाल करिए, बांसुरी ना मिले तो मोरपंख का इस्तेमाल करेंगे, मोरपंख भी ना मिले तो आप किसी फूल का खुशबूदार फूल का इस्तेमाल करेंगे। बंधुओं यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसका बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम पे हमने चैनल बनाया है उस पे आप हमको ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम भी एक व्हाट्सएप की तरह ही होता है, तो उस पे आप आएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा वीडियो मिलेंगे, ज़्यादा आपको राशिफल के बारे में जानना मिलेगा, और जो फोटो बना होती है यंत्रों की वह भी हम आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ।
आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, और यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिख के हमसे पूछिएगा। यदि आप चाहते हैं किसी अन्य विषय पे हम वीडियो बनाएं तो आप उसका भी कमेंट में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।